मंदिर के अंदर एक्सेस करने के लिए जो गलियों के माध्यम से रास्ते हैं, उन रास्तों में अब तक मुख्य चार मेन मार्ग मेन रोड से चार स्थान से अंदर जाया जा सकता था। एक था गेट नंबर एक जो कि दशाश्वमेध घाट जाने के उधर दशाश्वमेध रोड पर है, और वहाँ से अंदर घुसते थे आप तो एक लंबी गलियों की कतार से होते हुए आप भुंडीराज गणेश जी के माध्यम से आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते थे। दूसरा था गेट नंबर दो जिसमें आप ललिता घाट से शुरू करते थे और वहाँ से गली अगेन लंबी गलियों में कतारबद्ध होकर या दशाश्वमेध घाट से लंबी गलियों में कतारबद्ध होकर आप आते थे और गेट नंबर दो से संक्रम रास्ते से एंटर करते थे। तीसरा था नीलकंठ द्वार जिसके माध्यम से केवल शायद सशस्त्र जवानों की एंट्री अलाउड थी, उसको नीलकंठ द्वार कहते थे। और गेट नंबर चार था जिसमें हम छपा द्वार जिसको कहते हैं, वहां से एंट्री करके आप फिर मंदिर में एक्सेस कर पाते थे। इसमें हमने कुछ इतना ही करने का प्रयास किया है कि यदि मंदिर ने कोई भूमि भवन आसपास के प्रांगण में खरीद लिया है तो उसको हटा दिया जाए, और यदि संभव हो, क्योंकि मंदिर के प्रांगण में हम कोई गेट नहीं बढ़ा रहे हैं, उसमें जितने थे उतने ही हैं, और भविष्य में मंदिर की अगर दीवार बढ़ती है, हटती है, एक्सपैंड होती है, जो भी आने वाले समय में आएगा, तो उसमें हम देखेंगे कि लॉजिकली क्या संख्या होनी चाहिए गेट्स की। मंदिर की पहुंच का जो रास्ता है, पहुंच का जो मार्ग है, अगर हमने कोई संपत्ति खरीदी जो जर्जर है, ध्वस्त कर दिए जाने से हमें स्थान मिल सकेगा, तो वो कार्य हमने शुरू किया जिसके स्थान पर गेट नंबर पाँच जिसको लोग कह रहे हैं, वो गेट नंबर पाँच केवल गली के और मंदिर प्रांगण के बीच में जो एक संपत्ति थी जो गिर गई थी, वो दुकानें वो हटा दी गई और वो अपने आप वो रास्ते के रूप में खुला हुआ है दिखाई पड़ता है। ऐसे ही एक मदन लाल अग्रवाल जी का मकान है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, हो जाएगा, बात हो जाएगी उनसे भी। जैसे अब वो मकान हटाएंगे, सातो चौक के पास हमारे पास बहुत बड़ी भूमि का टुकड़ा खाली पड़ा हुआ है, उस पर हम लोगों के लिए ठहरने का, पानी का, टॉयलेट का, हर चीज़ का इंतजाम कर रहे हैं, लॉकर का इंतजाम कर रहे हैं। हमारे पास बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनको वहाँ बिठा कर हम उनको पहले प्रॉपर तरीके से अपने सामान जमा करना और ये सब कुछ करने के बाद वो सीधा मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो अब आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो गेट नंबर छः हो गया। तो विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का काम अब जो जो रफ्तार पकड़ रहा है, वैसे वैसे कई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहाँ कई दबे हुए मंदिर सामने आ रहे हैं, वहीं अब मंदिर को जाने के लिए दो नए मार्ग भी सामने आए हैं। अब तक विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए गलियों के रास्ते सिर्फ चार रास्ते थे, लेकिन अब गेट नंबर पाँच और छः भी सामने आया है, जिसके बाद भक्तों को मंदिर तक पहुँचने में अब आसानी हो जाएगी। गोपाल मिश्र, ETV, वाराणसी।